स्वरूप ही अपना, दूसरे पर तो अपना कोई काबू नहीं, दूसरे की आंख बंद कर दें, जीत पकड़ लें, ऐसा मंत्र कहे कि दूसरे का मन बदल जाए। तो मन तो सबका पूर्व पूर्व संस्कार से ही बना है, अभ्यास के द्वारा उसमें परिवर्तन करना होता है, और तुम्हारा अभ्यास तुम्हारे मन का परिवर्तन कर सकता है, तुम्हारा अभ्यास दूसरे के मन का परिवर्तन कर सकता है। और मान लो दूसरों की बात पर यदि हम अपने को दुखी करते हैं तो सारी दुनिया से हमारी लड़ाई है, यही तो होगा ना। ये जहाँ रहता था पहले साधु, ये हमारे राम से लड़ा, कृष्ण से लड़ा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से लड़ा, वो चार पांच घंटे इनका सेना रहता था, वो शासन करके आप इन्होंने देखा होगा, वो मस्ताना कभी कभी मिलता राम कृपा राम, तो पहले बाबा के पास रहता था, नंगे खड़ा रहता है, और सारी सब हम सबको मिटा सकते हैं, मिटा के छोड़ेंगे, मैंने अपनी वृत्ति का निरोध कर लेंगे, कोई बात नहीं। जीवन भर विरक्त कुछ कुछ कोई जीवन मत पाना बिल्कुल, कहीं ट्रक जा रही चढ़ गया जा लेगा, आगे पीछे कुछ नहीं बोल सकते। बाबा का प्रेमी एक से बाबा के प्रेमी उत्तर काशी में गंगा जी में खड़े हो सकते हैं, बाबा के भगत गौरी शंकर शिखर पर है ना, कैलाश कैलाश की यात्रा करके आए, राजपथ साल जी तक मानसरोवर बोलते राजपथ साल है, परिक्रमा करके राजपथ काल में तरंगे बहुत ज्यादा उठते हैं और मानस सरोवर शांत रहता है, दो साल में परिक्रमा करके आए थे, बोले थे वहाँ माता गौरी ने और शंकर जी ने मुझे दर्शन दिया, और गौरी ने मुझे अपनी गोद में बैठा कर दूध पिलाए, हमको कार्तिकेय नाम दिया, यहाँ परमाकांत नाम था, रसोई बनाते थे, वहां से लौट के आए तो कार्तिकेय हो गए और 300 वर्ष की उनकी उम्र हो गई, यहाँ से 225 वर्ष के थे और वहां से लौट के आए जो 300 वर्ष के, मुझे कोई बड़ा वो है विस्तार हो गया था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां से बिहार से ट्रेन पर उनको गिरे आए, ऐसा कोई रोग नहीं था जो उनके शरीर में न होगा, तो हर तरह के रोग होते हैं, अपनी अपनी प्रतीक प्रकृति होती है, अपने स्वभाव के अनुसार पर स्वभाव कर्माणि न प्रसंकेत न दर्द, दूसरे लोग अपने अब सांप को कहो कि हम ऐसा सब करेंगे कि सांप कोई विषैला न हो सके, तो तुम्हारी तपस्या का कोई असर होने वाला है, ऐसी तपस्या करो कि सुअर गुस्सा न खाए, अपने सपने तपोबल से बनाओ, तो जैसे सुअर है जैसे सांप है जैसे मक्खी है ये सब प्राणी ऐसे ही, किसी के सुधरने से न कुछ सुधारने से सुधरे हैं न किसी के लिए, अपनी वासना के लिए, यश के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पूजा के लिए, ख्याति के लिए, लोग दूसरों के सुधारने का जो प्रयास करते हैं उसमें कहीं न कहीं
लोक संग्रह का अर्थ मान ये है कि अपना जो वर्णाश्रमोचित धर्म है उसका तुम पालन करोगे तो दूसरे लोग भी वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करेंगे। तो वहाँ इतना ही अर्थ है, यदि तुम स्वधर्म का पालन करोगे तो दूसरे लोग भी स्वधर्म का पालन करेंगे, और यदि तुम स्वधर्म छोड़ दोगे तो दूसरे लोग भी स्वधर्म छोड़ देंगे। तो लोक संग्रह का अर्थ ये हुआ कि यद्यपि तुमको संध्या वंदन की आवश्यकता नहीं है या गायत्री जप की आवश्यकता नहीं है या अग्निहोत्र की आवश्यकता नहीं है, तब भी यदि तुम संध्या वंदन गायत्री जप अग्निहोत्र करोगे तो तुम्हें देख देख करके लोग ऐसा करेंगे। ये उसका अर्थ है, ये नहीं कि व्याख्यान दे देते लोगों को। यदि तुम स्वधर्म का आचरण करोगे तो देखो, इस लड़की को देख करके बहुत लोग जो है वो देखते हमारे सामने बहुत छोटी सी देखते हैं, भला किसी की हिम्मत है कि इसके प्रति कोई दुर्भाव कर सके। जब खुद आदमी नया हो के निकलता है, नया माने बिगड़ बेपरक करके जब आदमी निकलता है, उसके हाथ में बेपरक भी होती है, उसके शरीर में बेपरक भी होती है, चाल में बेपरक भी होती है, सब ईश्वरों की हिम्मत करती है, नहीं तो भस्म हो जाए। एक कथा है, यहाँ राजस्थान में जयपुर के पास एक तांडली नाम की श्रीमती रहती थी, तपस्वी, इतनी सुंदर थी, इतनी सद्भाव संपन्न थी, वहाँ तपस्तम लगे थे। तो एक दिन गालो ऋषि और गरुड़ दोनों वहाँ थे, तो उससे सद्भाव सौंदर्य जी माधुर्य जी को देख करके दोनों ने कहा कि नर्कलोक में रहने योग्य नहीं है, ये तो विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी के समान रहने के योग्य है। उन लोगों ने उससे कहा कि तुम हमारे साथ वैकुंठ चलो, हम विष्णु भगवान से तुम्हारा जान कर देंगे, और उनको निश्चित रूप से मना लिया है। गालो और गरो दोनों ने कहा, उसने मना कर दिया, तुमको ब्याह की कोई जरूरत नहीं है, निर्वाचन है हमारे, कोई बात नहीं है। तो गरुड़ और गालो ने सलाह की कि गरुड़ जी जल्दी इसको जबरदस्ती बुला उसको अपने ऊपर बैठा लें और उड़ा के वैकुंठ में ले चले, वहाँ वैकुंठ से विवाह कर लें। तो मालूम पड़ गया बड़ी तपस्वी थी, उसने जो मसाल देखा उन लोगों के लिए, गरुड़ के पंख गल के गिर गए और गालो ऋषि का शरीर गल, तो वहाँ गलता बोलते हैं उसको, आजकल जयपुर में इसका नाम गलता कुंड है, गलता जी, हाँ गलता जी है, पहाड़ के ऊपर हो एक सरोवर है और वहाँ से पानी का झरना निकल गया है, पिछली बार में शायद थोड़ा टूट गया था, फिर भी पहाड़ के ऊपर से पानी, मैं गया हूँ देख आया हूँ, निर्वासन के लिए शक्ति में क्या, जब तुम अपने शरीर के लिए दूसरों से कुछ चाहते हो तो सब कुछ कम करते, क्यों तुम चाहते हो कि भाई हमको प्रेम करे, क्यों तुम चाहते हो कि भाभी इनको प्रेम करोगे,